बेलदुरडी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली नरेंद्र नगर चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक के पुराने कर्मचारी द्वारा ही एटीएम फोड़ने की कोशिश करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विजय आकोत ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नरेंद्र नगर स्क्वायर में स्टेट बैंक का एक एटीएम है, जहां रात को चौकीदार नहीं रहता। इसी चीज का फायदा उठाकर रविवार को कुछ युवकों द्वारा एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसकी जानकारी सोमवार की सुबह बेलतरोड़ी पुलिस को मिली। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी से मिले फुटेज को चेक किया, जिसमें पुलिस को एक गाड़ी दिखाई दी, जिसमें गाड़ी का नंबर खोज पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विजय आकोत ने अधिक जानकारी साझा की। हाँ, नरेंद्र नगर चौकात स्टेट बँकेचं एटीएम आहे, तिथे रात्री चौकीदार नसतो। त्या ठिकाणी 11 तारखेच्या रात्री एटीएम फोडायचा प्रयत्न केला होता। त्याच्यात त्या फुटेजमध्ये आपल्याला 2 मुलं दिसत होते एटीएम फोडताना। पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिल्यानंतर आपण गुन्हा दाखल केल्यानंतर आपण सर्व सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले। संपूर्ण फुटेज चेक केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात एक गाडी असल्याचं दिसलं आणि त्याच्यात अजूनही 2 मुलं असल्याचं दिसलं, असे 4 मुलं त्याच्यात असल्याचं दिसलं। त्याच्यावरून आपण त्या गाडीचा शोध घेतला आणि आरोपीचा शोध घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये 4 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेला। त्याच्यात अभिजित सुरोशे, कल्पेश रंगारी, पिंटू हेमने आणि एक निधी संघर्ष बालक, असे 4 त्याच्यात 4 जणांचा समावेश होता। 4 जणांनी मिळून ही घटना केलेली होती। त्यात 3 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यात तपासामध्ये असं माहीत पडलं की अभिजित सुरोशे हा 1 वर्षा अगोदर स्टेट बँकेच्या शाखेत नरेंद्र नगरच्या तिथे काम करत होता, हाऊसकीपिंगचं काम करत होता। 1 वर्षानंतर त्याला माहिती होतं की तिथे चौकीदार नसतो, त्यामुळे त्यानं तेच एटीएम निवडलं आणि ते फोडायचा प्रयत्न केला। इस मामले में 3 युवकों समेत एक नाबालिग का समावेश होने की जानकारी इस दौरान पुलिस निरीक्षक आकोत ने दी, जिस दौरान आगे उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अभिजीत सुरसी पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसी शाखा में काम करता था। वो जानता था कि एटीएम में रात को कोई चौकीदार नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।